हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता वर्मा, आज मैं आप लोगों के साथ मसाले वाली खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मकर संक्रांति के दिन इस खिचड़ी को बनाकर खाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है इस ग्लास से एक गिलास चावल, और ये कुछ दाल है जो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये मसूर की दाल है, ये चने की दाल है, और ये मूँग की दाल है, ये अरहर की दाल है, ये उड़द की दाल है, और ये कुर्थी की दाल है। इस दाल का आज ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि कुर्थी की दाल में ही बनाई हुई खिचड़ी का आज खाया जाता है। और कुछ सब्जी के लिए हमने लिया है ये आलू, गोभी, गाजर और मटर। आप अपने इच्छा के अनुसार और भी सब्जी को डाल सकते हैं। और ये प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इन सब चीज़ों से हम आज मसाले वाली खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चावल और सारे दाल को भिगोकर थोड़े देर के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमने चावल और दाल को धोकर रख लिया है। अब इसे थोड़े देर के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक हम एक बर्तन में पानी को गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया और दाल को थोड़ी देर के लिए इसमें उबालेंगे। उसके बाद फिर सब्जी को फ्राई करके इसमें डालेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल को डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तेज पत्ता डालकर भून लेते हैं। हमारा भून चुका है। अब हम इसमें प्याज डालकर भून लेते हैं। प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इनमें सब्जियों को डालते हैं। सारी सब्जियों को हमने डाल दिया। अब इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि फिर ये खिचड़ी में जाकर भी पकेगा, इसलिए हमें हल्का इसे आधा भूनना है। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल और दाल को डाल अब हम इस पानी में चावल को डालते हैं। चावल हमने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। अब इसमें चावल दाल हमने डाल दिया है। अब हम इनमें कुछ मसाले को डालते हैं। इसके लिए हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार। नमक हमें इसमें कम ही डालना है क्योंकि सब्जी में भी हम नमक को ऐड करेंगे। अब हम सारे मसालों को इस तरह से मिला लेते हैं। मसाला भी हमने कम ही डाला है क्योंकि सब्जी में भी मसाला पड़ेगा, इसलिए इसमें कम डाला है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए आधा पकने देते हैं। तब तक हम सब्जी को भून लेते हैं। सब्जी भी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें भी मसाला को डालते हैं। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने खिचड़ी में भी लाल मिर्च ज़्यादा डाला है इसलिए कम ही डालेंगे। ये 1/2 चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार। नमक भी हमने खिचड़ी में डाला था इसलिए नमक कम डाल रहे हैं। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। सब्जी हमारी हल्की सी भून चुकी है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालकर भून लेते हैं। ये देखिए, सब्जी हमारा आधा पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चावल दाल को भी चेक कर लेते हैं। चावल दाल भी हमारा आधा पक चुका है। अब हम इसमें सब्जी को मिक्स कर देते हैं। इस सब्जी को हम इस
चावल दाल में डाल देते हैं। ये देखिए हमने सब्जी को चावल दाल में डाल दिया है। अब दोनों को मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स होकर पक जाए। आप चाहें तो कि एक साथ भी मिलाकर चावल दाल को पका सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है सब्जी ज़्यादा मात्रा में पक जाती है जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए आधा आधा पका कर अगर मिक्स करेंगे तो दोनों का टेस्ट अच्छा आएगा और खिचड़ी खाने में अच्छी लगती है। आप चाहें तो कुकर में भी एक साथ मिक्स करके पका सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कुकर की बनी हुई खिचड़ी को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हम इसी बर्तन में खिचड़ी को पकाते हैं और हम लोगों को इसी बर्तन में बना हुआ खिचड़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, थोड़ी देर बाद चेक कर लेते हैं। बीच बीच में एक दो बार खिचड़ी को चलाते रहें ताकि ये तले में बैठे ना, नहीं चलाने से ये बैठ सकता है, इसलिए इसे एक दो बार इस तरह से चलाते हैं। 5 मिनट हो चुका है, खिचड़ी हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल देते हैं, 1 मिनट के लिए चला लेते हैं। ये देखिए हमारा मिक्स खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी तैयार है, मिक्स खिचड़ी इस तरह से हमने रखा है। अगर आप लोगों को हमारा खिचड़ी की थाली अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।